साधारण रीति से एक ही आकृति में समपंचभुज षटभुज सप्तभुज या कितने भुज भी बना सकते हैं। आ गया ना समझ। सबसे पहले क्या किया हमने, ए और बी रेखा दी, ए और बी रेखा दी। उसके बाद क्या किया, ए और बी पर 90 अंश का कोण बनाया। आ गया समझ। 90 अंश का कोण बनाने के बाद हमने प्रकार बी पर रखी और ए के बराबर खोली और ये चाप लगा। इस चाप को लगाने के बाद हमने क्या नाम रखा इसका, इस बिंदु का नाम क्या रखेंगे, के। क्या नाम रखा, के। फिर के और ए को मिलाया है ना, ए और बी का हमने समद्विभाजन किया। समद्विभाजन समझते हैं, आधा किया, ए पर प्रकार रखी, आधे से ज्यादा प्रकार खोली और एक चाप इधर लगाई, बी पर प्रकार रखी और एक चाप इधर को लगाई, फिर हमने इसको मिला दिया। जहां पर हमारी ये और ये के और ए को और इस समद्विभाजन को जहां पर मिलाता है, ये कितने नंबर हो गए, चार। और जहां ए और के की चाप को मिलाता है और इस समद्विभाजन को मिलाता है, इसके कितने नंबर हो गए, छह। चार और छह का हमने समद्विभाजन करना है। चार पर प्रकार रखी और इसकी चाप लगाए, छह पर प्रकार रखी चाप लगाए, इधर भी हमने इसी तरह क्या इसको मिलाया। जहां पर चार और छह वाली लाइन भी मिलाई, ये नंबर क्या बन गया हमारा, पांच। आ रहा ना समझ सबको। फिर हमने चार से पांच के बराबर नाप के, इधर भी पांच से छह तक भी बराबर, छह से सात आठ नौ, चाहे जितने भुज भी बना रहे हो आप उतने बना सकते हैं। अब हमने षटभुज बनाना है, तो छह पर प्रकार रखी और एक एक के बराबर खोली और चाप लगा दी। अगर हमने पंचभुज बनाना है तो पांच पर प्रकार रखेंगे और एक के बराबर चाप लगाएंगे। सप्तभुज बनाना है तो सात पर प्रकार रखेंगे और एक के बराबर खोलेंगे और चाप लगाएंगे। आगे समझ लो। हमने छह पर प्रकार रखी, एक के बराबर खोली और एक चाप लगा दी, ए और बी मिला दी चाप। फिर ए और बी के बराबर हमने प्रकार खोना है और ए से काटना एक दो, बी से एक दो, यहां पर खुद ब खुद आपका जितना ए और बी है उतना ही बचेगा, फिर आपने इसको मिलाना है। कौन सा बनाया हमने, षष्ठभुज। हाँ, ए भी देखा था प्रकार द्वारा षष्ठभुज बना। आगे समझ, ठीक है।